राजनांदगांव के दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला मानपुर अंबागढ़ डोगरगढ़ इलाके के कई गांव के नक्सली हिंसा में प्रभावित परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिए जाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें ये वो लोग हैं जिनके परिवार के सदस्यों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। इन परिवारों को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिल रहा है। शासन ने पुनर्वास नीति के तहत इन्हें राशि तो दी है लेकिन सरकारी नौकरी सहित अन्य सुविधा से वंचित रखा गया है। लोग अपने लिए मकान, नौकरी, पेंशन और यात्रा में परिवार के सभी सदस्यों को रियायत जैसी मांग कर रहे हैं। क्या है हम कि 4 लाख रुपया मिली और नौकरी नहीं मिले है, फिकर भर आवेदन दे हूँ और वही मांग लेकर के आए हूँ। कितने साल हो गए घूमा सकते यहाँ? 9 के 10 में मिली 1 लाख। मेरे पिताजी का हत्या कर दिए गए नक्सल वाइट वाले लोग और अब तक कुछ नहीं मिला है। क्या मांग है आप? मैं अपने पिता की जगह में सास की कुछ नौकरी करना चाहती हूँ तो अब तक नहीं मिला है तो उसी की मांग भी। हाँ, अधिक जानकारी के लिए मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में? 2007 में नक्सलियों द्वारा निशान से हत्या कर दी गई थी कुछ ग्रामीणों की और ये वो परिवार है जो उनसे बिछड़ गए थे और अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री तक को इसकी शिकायत की हुई है लेकिन फिर भी इनको कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो अब थक हार कर अपने कलेक्ट्रेट परिसर में ही 2-3 बार इन्होंने ज्ञापन दी थी और पिछली बार जब ज्ञापन दिया था तो कलेक्टर साहब ने इनको आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आपकी जो मांगे हैं उनमें कुछ न कुछ वृद्धि की जाएगी और आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह बताया जाएगा और नौकरी दी जाएगी लेकिन कलेक्टर ने अभी तक इनकी कोई भी सुध नहीं ली है। इसलिए फिर से वापिस ये यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे हैं। मनोज, अधिकतर हम देखते हैं नक्सली उन पर ही हमला करते हैं जो पुलिस से मुखबिर होते हैं, तो क्या ये लोगों को उनकी सजा मिल रही है जो पुलिस के मुखबिर थे? जी हाँ, ये तो पुलिस की मुखबिरी के शक में इनको मारा गया था लेकिन ये ग्रामीण ही थे वहाँ के। जी, पुलिस के मुखबिर थे तो क्या पुलिस इनकी कोई मदद नहीं कर रही है? पुलिस का भी फर्ज बनता है इनकी मदद करना। जी, ये पुलिस की मुखबरी में एक और बड़ा केस है जो 40-50 लाख रुपया मुखबरी के लिए उनको मिलना था जो आज तक नहीं मिल पाया है। वो भी कई सालों से इसके लिए चक्कर काट रहे हैं। जगदलपुर या दंतेवाड़ा में एक केस हुआ था जिसमें 10 से 12 नक्सली मारा गया था जो एक गुप्ता है उसने वहां तक पुलिस को पहुंचाया था लेकिन आज तक वो गुप्ता सिर्फ पुलिस के चक्कर काट रहा है अपना मुआवजा लेने के लिए। चलिए, शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। गरियाबंद में